छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में मोबाइल नेटवर्क में आ रही दिक्कत से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जियो टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क में यह परेशानी ज्यादा ही आ रही है। लोगों की शिकायत है कि सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज के दौर में अधिकतर कार्य इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कई बार उपभोक्ताओं को नेट बैंकिंग सहित कई महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए माथा पीटते देखा जा रहा है। ऐसी असुविधा के साथ ही कॉल बीच बीच में कई बार कट रही है। बातचीत के बाद जब कॉल को कट किया जाता है तो यह कुछ देर तक जारी रहता है और बाद में हैंग भी हो जाता है। वहीं इंटरनेट की तो मानो हद ही हो गई है। बताना लाजमी होगा कि डिजिटल इंडिया के नाम पर वर्तमान समय में दिनचर्या के लगभग अधिकतर कार्य इंटरनेट के भरोसे हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बैंकिंग का कार्य, मनी ट्रांसफर, महत्वपूर्ण सूचनाएं, सरकारी दफ्तरों के कार्य भी आज के जमाने में इंटरनेट के भरोसे ही चल रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जियो टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल नेटवर्क पहले से ज्यादा खराब है, अब स्थिति और बिगड़ गई है, कॉल ड्रॉप भी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि दिन भर में कई बार ऐसा होता है कि कॉल लग जाता है, उधर से रिसीव भी हो जाता है, इसके बावजूद बातचीत नहीं हो पाती है, कॉल को काट कर दोबारा फिर से मिलाना पड़ता है। धरमजयगढ़ से संवाददाता गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मैं आनंद अग्रवाल, चालक गैस मेडिकल। ये मोबाइल नेटवर्किंग का कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, बताइए क्या समस्या? मोबाइल नेटवर्किंग का प्रॉब्लम जो है, हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ जो मोबाइल है उसमें हर दिन नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या से हम जूझ रहे हैं। आज मेरी दुकान का लगभग काम ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन सब चीज़ चलता है, और जिस हिसाब से नेटवर्क हर दिन डाउन जाता जा रहा है, हमको काम करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम विश्वास करके जियो का नेटवर्क लिए थे क्योंकि उसका नेट अच्छा था और उसमें कॉलिंग की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन आज हम अपने आप को ठगा हुआ सा, धोखा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसका जल्द से जल्द अगर निराकरण नहीं होता है तो जितने भी सिम है जियो, वह सिर्फ एक कचरे के टाइप फेंकने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएंगे। कंपनी वालों से निवेदन है कि इसमें ध्यान देना।